पिछली वीडियो में हमने जो है शब्दों के भेद पढ़े थे, उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो है पांच भेद होते थे उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। अब रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हवा, पानी, दूध, मकान, चश्मा आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है? दो को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे राजभवन, राजभवन, डाकघर, डाकघर, पितृभक्त, पितृभक्त, जनपथ, जनपथ। पहला कौन सा पढ़ा हमने? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ हो गए हो, ठीक है। अच्छा, हवा, पानी, दूध, मकान, ये हो गया। फिर यौगिक शब्द, दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया शब्द। यहाँ पर है कार्यशाला, कार्यशाला, रसोई घर, रसोई घर। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, दशा प्लस आनन। अब अगर यहाँ पर देखें, दस प्लस आनन, रावण के रूढ़, दस का मतलब दस और आनन का मतलब होता है सिर। रावण के कितने सिर होते हैं? दस सिर होते हैं। तो इसको हम एक विशेष रूप में जो है क्या करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं और एक विशेष शब्द होता है इसमें, जैसे दस आनन यानी दशानन। पवन सुत, पवन सूत्र जो है हम हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक वर्ड है पवन और सुत, यानी पवन सुत का मतलब होता है पुत्र, पवन पुत्र। इसी तरीके से नीलकंठ, नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, तो हम नीला, नीलकंठ का शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? भगवान शिव, भगवान शिव के लिए करते हैं। तो इस तरीके से दशानन हम किसको बोलते हैं? रावण को। पवन सुत हनुमान जी को बोलते हैं, नीलकंठ भगवान शिव को बोलते हैं। तो एक विशेष अर्थ में जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो योग रूढ़ शब्द हमने क्या पढ़ा? वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्यतः चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, पर्यायवाची यानी एक ही शब्द के कई नाम, और विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ वाले होते हैं, विपरीतार्थक शब्द जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं विलोम शब्द। सबसे पहले एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे सड़क, बिल्ली, कमल, मेज, किताब आदि। इसी तरीके से अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, अंक जो है संख्या और गोद, अंक जो होता है संख्या भी होती है और अंक को हम गोद भी कहते हैं। इसी तरीके से अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। इसी तरीके से कर, कर का मतलब हाथ और एक कर होता है टैक्स। कल, कल का मतलब आने वाला दिन, बीता हुआ दिन। चैन, कल का मतलब चैन भी होता है और कल का मतलब होता है मशीन का पुर्जा। यानी शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक से समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी एक ही शब्द के कई नाम, जैसे आसमान, आकाश, गगन, अंबर। ये सारे हम किस के लिए यूज करते हैं? आकाश के लिए यूज करते हैं, तो आसमान, आकाश, गंगर और गगन और अंबर। इसी तरीके से चंद्रमा को हम चांद, चंद्रमा, इंदु, शशि बोलते हैं, तो ये सारे क्या है? हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। कमल, पंकज, जलज, राजीव, ये सारे क्या है? कमल, पंकज, जलज, राजीव, ये सारे एक ही नाम हैं। सूरज, दिनेश, दिनकर, रवि, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? सूरज के लिए, यानी सूर्य के लिए। तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जब एक ही चीज़ के कई नाम हों, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे है विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे गुण, अवगुण, अच्छा, बुरा, धनी, निर्धन, रात, दिन, ऊंच, नीच, अमीर, गरीब।
विलोम शब्द को विपरीतार्थी या विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से अर्थ के आधार पर हम उसको चार भागों में बांटते, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द।